अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आप सभी का AEWS इकबाल अंसारी चैनल पर स्वागत है। चलिए आज हम देखते हैं महा TET सब्जेक्ट मैथ का पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड। इन दोनों पेपर में एक नंबर का सवाल जो हमेशा कंपलसरी पूछा जाता है, उसके बारे में आज हम जानेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों, आज हम देखने जा रहे हैं वक्त की पैमाइश और कैलेंडर। ये पार्ट वन है, इसमें आपको मैं पूरा कंटेंट समझा दूंगा और शाम में आपको मैं सेकंड पार्ट में चंद मिसालें इसकी हल कर दिखाऊंगा। तो अभी हम देखते हैं वक्त और पैमाइश, जिसके ऊपर कैलेंडर पर आप देखते हैं कि पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड में मैथ के जो सब्जेक्ट होता है उसमें एक नंबर का सवाल कंपलसरी पूछा जाता है कि 5 जनवरी को ये दिन था तो 10 अगस्त को क्या दिन होगा, यौम अतफाल इस दिन आया है तो उस साल यौम जमहूरिया किस दिन होगा। तो इस तरह के जो है तो सवालात कंपलसरी पूछे जाते हैं महा TET में। तो इन सवालात, ये एक नंबर के सवालात की हम आज स्टडी कर रहे हैं, यानी इन दो वीडियो के बाद आपका जो है तो एक नंबर का पक्का हो जाएगा। ज़रूरी और अहम मालूमात जो है वो देखेंगे आज हम, जो नोट्स है ये कि सबसे पहले इसमें है आम साल। आम साल यानी वो साल जिसमें कुल 365 दिन होते हैं, और जो आम साल होता है इस आम साल में कुल हफ्ते 52 होते हैं और एक दिन ज़्यादा होता है, यानी कि इस तरह 52 हफ्ते प्लस एक दिन, इस तरह से कुल हफ्ते होते हैं। दूसरा है यकम जनवरी को जो दिन होगा वो साल में 53 मरतबा और बकिया तमाम दिन 52 मरतबा आएंगे। आम साल में एक जनवरी को जो दिन होगा वो साल में कुल 53 मरतबा आएगा और बाकी तमाम दिन साल में 52 मरतबा आएंगे, क्योंकि एक दिन जो तो इसमें ज़्यादा होता है 52 हफ्ते के अलावा। देखिए, जैसा कि आपके सामने मैं 2019 का कैलेंडर रखा हूँ, आप इसको जो है तो पॉज करके जो है तो देख सकते हैं कि इसमें यकम जनवरी को जो दिन आया है वो पूरे साल में 53 मरतबा आया है। आप इसको एक नज़र में वीडियो पॉज करके देख सकते हैं और काउंट कर सकते हैं, बाकी तमाम दिन 52 मरतबा आए हुए हैं। ये 2019 का कैलेंडर है। नेक्स्ट, अब अगला जो देखते हैं हम कि आम साल में एक दिन ज़्यादा होने की वजह से इस तारीख का दिन अगले साल एक दिन के बाद आता है। आम साल में एक दिन ज़्यादा होता है 52 हफ्ते प्लस एक दिन, इसलिए जो इस तारीख का दिन जो हो तो एक जनवरी को आम साल को जो दिन होता है, जैसा कि यकम जनवरी 2019 को अगर मंगल होगा तो यकम जनवरी 2020 को बुध का दिन होगा। ये देखिए, आपके सामने मैंने दोनों कैलेंडर रखे हैं कि आम साल में यकम जनवरी 2019 को बुध का दिन मंगल का दिन था, तो अगले साल एक साल खत्म होने के बाद यकम जनवरी 2020 को वो अगला दिन आ गया बुध का दिन, एक दिन बाद वो साल शुरू होता है। अब देखते हैं लीप साल। जो साल चार से पूरा तकसीम हो और जिस साल में आखिरी के दो सिफर हों और वो 400 से पूरा तकसीम होता है, लीप साल कहलाता है। मसलन 1980, 1996, 1600, 2000, 2004, 2008, 2012, 2016, 2020, ये लीप साल है। अभी जो 2004, 8, 12, 16, आप इसको चार के पहाड़े से भी याद रख सकते हैं। देखिए 4, 8, 12, 16, 20, अब आने वाला अगला जो लीप ईयर होगा तो वो 2024 में होगा, उसके बाद 2028 में, फिर 32 में, फिर 36 में, फिर 2040 में, इस तरह से चार साल आगे बढ़ते जाएंगे। लेकिन 1700, 1800, 1900 लीप साल नहीं है, क्योंकि ये 400 से पूरी तरह तकसीम नहीं होते हैं, इसलिए ये लीप साल नहीं है। कुल दिन लीप साल में कुल दिन 366 होते हैं, जो कुल हफ्ते 52
और यहाँ पर एक दिन ज़्यादा हो रहा है, इसलिए 52 हफ्ते प्लस 2 दिन, इस तरह से ये कुल 366 दिन होते हैं। अब ये जो एक दिन बढ़ रहा है तो ये कहाँ बढ़ता है, तो लीप साल में फरवरी का महीना 29 दिनों का होता है, और 1 जनवरी और 2 जनवरी को आने वाला दिन साल में 53 मरतबा और बकाया दिन 52 मरतबा आएंगे। आप जो तो इस साल का जो तो कैलेंडर पूरी तरह से देख सकते हैं, 2020 का जो लीप ईयर है, इस साल जो 1 जनवरी और 2 जनवरी के दिन जो दिन आए थे वो पूरे साल में 53 मरतबा आएंगे और बकाया तमाम दिन 52 मरतबा आएंगे। लीप साल में 2 जनवरी को जो दिन होगा वही दिन 31 दिसंबर को होगा। देखिए 2 जनवरी के दिन जो दिन होता है लीप ईयर में, वही दिन 31 दिसंबर को होता है। लीप साल में 2 दिन ज़्यादा होने की वजह से इस तारीख का दिन अगले साल 2 दिनों बाद आता है। जैसा कि 1 जनवरी 2020 को बुध का दिन हो, जिस तरह अभी 1 जनवरी 2020 को बुध का दिन था, अब अगला साल 1 जनवरी कब रहेगा, 2 दिन बाद रहेगा, तो यानी के जुमेरात और जुमा, नेक्स्ट जुमा को अगला 1 तारीख रहेंगे। आपके सामने ये कैलेंडर है, यहाँ पर आप देख सकते हैं लीप ईयर में, जो लीप ईयर में 1 तारीख जिस साल रहती है जनवरी की, तो उसके बाद वाले साल में 2 दिन बाद वो 1 तारीख आती है। जैसा यहाँ पर आप देख सकते हैं बुध को 1 तारीख है 2020 में, 2020 लीप ईयर है, अब 2021 में 1 तारीख आ रही है 2 दिन बाद, यानी के जुमा के दिन। यकसां तारीख और दिन आने वाले महीने, यकसां तारीख और दिन आने वाले महीने देख लीजिए। आम साल में यानी के सेम टू सेम जो महीने रहते, तारीख उसी दिन सेम टू सेम आती है, यानी जनवरी और अक्टूबर, जनवरी का जैसा महीना होता है सेम टू सेम उसी तरह से अक्टूबर का महीना होता है। फरवरी, मार्च, नवंबर, ये फरवरी में जो महीना होता है सेम टू सेम वैसा ही मार्च का और नवंबर का महीना होता है। अप्रैल और जुलाई, और उसी तरह से सितंबर और दिसंबर। लीप ईयर में यकसा तारीख और दिन आने वाले महीने, लीप ईयर में जनवरी, अप्रैल और जुलाई एक जैसे होते हैं, यानी कि जैसा कि अभी जो लीप ईयर है हमारा 2020, जनवरी 1 जनवरी बुध का दिन है, तो अप्रैल भी एक अप्रैल बुध रहेंगी, 1 जुलाई भी बुध के दिन ही रहेंगी, और बाकी पूरा जो है तो महीना सेम रहेगा। उसी तरह फरवरी और अगस्त एक जैसे होते हैं, जैसा फरवरी का महीना रहेगा सेम वैसा ही अगस्त का महीना, मार्च और नवंबर जैसा मार्च का महीना वैसा ही नवंबर का महीना रहेगा, और सितंबर और दिसंबर जैसा सितंबर का महीना है वैसा ही दिसंबर का महीना रहेगा। अब चंद वजाहत मैं करता चलूँ आखिर में कि आम साल में 1 जनवरी को जो दिन होगा वही दिन 1 अक्टूबर की तारीख को होगा। ये इसलिए याद रखिए कि ख़ास तौर से यौमे जमहूरिया और महात्मा गांधी जयंती या इनकी मुनासिबत से अक्सर सवालात पूछे जाते हैं। तो आम साल में 1 जनवरी को जो दिन होगा वही दिन 1 अक्टूबर की तारीख को आएगा। जैसा कि 1 जनवरी 2019 को जो दिन था वही दिन 1 अक्टूबर 2019 की तारीख को होगा। इसी तरह यकम मार्च और यकम नवंबर को एक ही दिन होगा। आम साल में जैसा ये 1 फरवरी 1 मार्च और 1 नवंबर को एक ही दिन रहेगा सेम डे। इसी के मुताबिक लीप साल में जो अभी चल रहा है हमारे, जैसा कि 2020 लीप साल है इसलिए हमें समझने में बहुत आसानी होगी। 1 जनवरी को अभी कौन सा दिन था, बुध का दिन, वेडनेसडे। 1 जनवरी, 1 मार्च, 1 अप्रैल और 1 जुलाई को एक ही दिन आता, यानी कि 2020 जो लीप ईयर है तो 1 जनवरी बुध के दिन थी, तो मार्च को 1 मार्च, 1 अप्रैल और 1 जुलाई ये सब भी बुध के दिन ही रहेगा। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ इस वीडियो की लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और इंशाल्लाह मैं रात में जल्द से जल्द इसका दूसरा पार्ट आप तक लेकर आने की कोशिश करूँगा, जिसमें आपको
एग्जाम्पल्स के ज़रिए बतलाऊंगा कि सवालात को किस तरह हल करना है। बहुत बहुत शुक्रिया।